again. Redskins. हाय गाइस, वेलकम अगेन, वेलकम टू वशिष्ठ व्लॉग अगेन। तो गाइस, आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक न्यू टूर के ऊपर। जी हाँ, एक लग्जरियस विला का टूर रहने वाला है, 4 बेडरूम के कंसेप्ट के, जो कि ईस्ट फेसिंग और कॉर्नर विला रहने वाला है, अप्रोक्सीमेट 365 के यार का। अगर लोकेशन की बात करें, ये लोकेशन है न्यू चंडीगढ़ की, और न्यू चंडीगढ़ के अंदर भी सबसे प्रीमियम सेक्टर ओमैक्स फेस वन। जी हाँ, ओमैक्स फेस वन के अंदर ईस्ट फेसिंग कॉर्नर विला आज हम आपको शो कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, अभी जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रो है जस्ट बिहाइंड टू ओमैक्स क्लब हाउस। मेरे बैक साइड में ओमैक्स का क्लब हाउस आ जाता है। देन एक रो छोड़ के अभी हम खड़े हुए हैं, और जिस विला की हम बात कर रहे हैं, ये सामने का कॉर्नर विला रहने वाला है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया, ये कॉर्नर के साथ साथ ईस्ट फेसिंग भी विला है, तो एज पर वास्तु भी सबसे बेस्ट लोकेशन रहती है। अगर हम बात करें, साथ के साथ कॉर्नर विला है, जिसकी वजह से बाकी जो विलास हैं वो 300 के यार्ड की लेन है जी, लेकिन कॉर्नर की वजह से ये अप्रोक्सीमेट 365 के यार्ड का विला हो जाता है। तो गाइस, आइए देखते हैं इस विला के अंदर और को क्या क्या अपने को बेस्ट चीज़ें मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, साइड हेज काफ़ी ब्यूटिफिकेशन बढ़ा देती है इसकी, क्योंकि कॉर्नर की वजह से साइड हेज काफ़ी अच्छी अपने को ग्रीनरी मिल जाती है इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी एंट्रेंस की तरफ। सबसे पहले अगर दिखाऊं, 40 फीट की आपके फ्रंट पे रोड रहने वाली है, जिसके अंदर आपको साथ में ये तकरीबन 9-9.5 फीट की बरन मिल जाती है। यहाँ पे भी आप अपनी इजीली गाड़ी पार्क कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे टू व्हीलर है इजीली पार्क कर सकते हैं। देन घर के अंदर भी आपको पार्किंग मिल जाती है। सबसे पहले अपने को सेफ्टी के लिए आयरन डोर मिल जाता है, लेकिन सेफ्टी की अगर यहाँ बात करें ओमैक्स फेस वन के अंदर, तो 24/7 आपको सिक्योरिटी मिलती है, पावर बैकअप मिलता है, वाटर सप्लाई मिलती है, और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, बिल्कुल क्लब हमारे साथ रहने वाला है, तो क्लब फुली ऑपरेशनल है ओमैक्स फेस वन का। मार्केट फुली ऑपरेशनल है ओमैक्स फेस वन के अंदर, तो एक फैमिली को जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एटमोसफेयर की, वो सारा फेस वन के अंदर आपको कम्प्लीट मिल जाता है ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ में। अगर बात करें यहाँ से हॉस्पिटल्स की, तो अपकमिंग मेडिसिटी यहाँ पे आ रही, हार्डली यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर के डिफरेंस के ऊपर आपको मेडिसिटी मिल जाएगी, जिसमें 358+ acres के अंदर सारे हॉस्पिटल्स प्लान किए गए हैं, जिसमें से अगर नाम लेना चाहो तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल ऑलरेडी बन के तैयार है, जिसका ऑपरेशनल बहुत जल्दी होने वाला है। बाकी उसके अलावा चैतन्या, मैक्स, फोर्टिस, ऐसे कुछ बड़े ब्रांड्स हैं हॉस्पिटलिटी के अंदर जो यहाँ पे प्लान किए गए हैं, तो बहुत ही जल्दी उनकी कंस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलेगी। और अगर एजुकेशन की बात की जाए, तो न्यू चंडीगढ़ के अंदर एजुकेशन सिटी प्लान की गई है। जी हाँ, 450+ acres का एरिया डेडिकेटली एजुकेशन सिटी के लिए रिजर्व रखा गया है, जहाँ पे इन फ्यूचर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आपको बिग लेवल्स के साथ देखने को मिलेंगी। उसके अलावा स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन की अगर बात करें, तो मोहाली का जो क्रिक स्टेडियम है, उसको न्यू चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, बिकॉज वहाँ पे जो दिक्कत थी, वहाँ पे पार्किंग की दिक्कत रहती जब भी मैचेस होते थे, तो न्यू चंडीगढ़ के अंदर इतना लैंड बैंक के अंदर उसको लेके आए हैं कि वहाँ पे अकेडमीज, वहाँ पे पार्किंग कोई इशू नहीं रहेगा उस PCA स्टेडियम के अंदर। वो भी 90% उसकी कंस्ट्रक्शन डन है, डोमेस्टिक मैच वहाँ पे सैटरडे संडे खेले जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट इंटरनेशनल मैचेस जो भी होंगे वो वहीं खेले जाएंगे। और कनेक्टिविटीज़ की बात की जाए न्यू चंडीगढ़ की, मध्य मार्ग से वेल कनेक्टेड हो चुका है ऑलरेडी न्यू चंडीगढ़, PGI वाली रोड को हम मध्य मार्ग बोलते हैं। देन दक्षिण मार्ग एक्सटेंशन आ चुका है जी, जो सीधा दिल्ली से आपको न्यू चंडीगढ़ में कनेक्ट करेगा, और देन इन फ्यूचर वो रोड जो जाएगी सीधी अनंतपुर साहब तक जाएगी, तो आपकी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की सारी कनेक्टिविटीज़ न्यू चंडीगढ़ को आ जाती है। देन सबसे मेजर कनेक्टिविटी जो भी किसी शहर के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, वो तो अभी PR7 जो कि ओमैक्स फेस वन के आगे से होता हुआ सीधा एयरपोर्ट रोड को कनेक्ट कर रहा है, उसका काम भी 80-90% ऑलरेडी हो चुका है, बहुत ही जल्दी वो रोड भी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो गाइस, कनेक्टिविटी होगी, फैसिलिटीज़ होगी, सारे के सारी आपको इस एरिया के अंदर मिलने वाली है।
तो गाइस जो आज की प्रॉपर्टी है वो उससे भी खास है, वो है 365 स्क्वायर यार्ड का कॉर्नर ईस्ट फेसिंग विला, जिसमें 4 बेडरूम्स का कंसेप्ट रहेगा प्लस सर्वेंट रूम रहेगा। तो आइए देखते हैं आज की लाइफ साइट विजिट। तो सबसे पहले ये आयरन डोर आ जाता है, साथ में आप देख सकते हैं फ्रंट पे भी यहाँ पे प्लान किया गया है, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी यहाँ पे प्लान की गई है। तो जैसे ही गाइस हम अपने घर के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले आता है पार्किंग एरिया। जी हाँ, काफ़ी अच्छी पार्किंग स्पेस अपने को यहाँ पे मिल जाती है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं जो रह रही हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्लान किया है यहाँ पे। और सबसे पहले अगर बात करें हम विला के अंदर एंटर की पार्किंग आई, देन बिल्कुल साथ में सर्वेंट रूम आ जाता है जिसका अप्रोक्सीमेट साइज 9x9 के करीब का है, और साथ में अटैच वॉशरूम दिया गया है इसके साथ में। तो आपके जो सर्वेंट की एंट्री है बिल्कुल सेपरेट अलग से दी गई है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जैसे ही हमने एंटर किया साथ में अपने को लॉन एरिया मिल जाता है, जिसको काफ़ी ब्यूटीफुल डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रीनरी मेंटेन की गई है, शांति के प्रतीक अपने बुद्धा जी को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सेटअप किया गया है, क्योंकि ये पीसफुल एटमोसफियर प्रोवाइड करवाता है। देन साथ ही साथ आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा झूला यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है कि आप यहाँ पे अपनी लाइफ का पूरा मज़ा ले सकते हैं। तो गाइस इसके साथ में पार्किंग एरिया, लोन एरिया, देन जैसे मैंने बताया था ये कॉर्नर का विला है, तो उसके साथ अपने को एडवांटेज क्या मिला आपको यहाँ से शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं कोई भी विला होता है तो उसकी लेंथ फ्रंट की यहाँ तक रहती है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस अपने को मिल जाती है इस विला के अंदर। साथ ही साथ ये एक एंट्रेंस दे दी गई है अपनी फ्रंट लॉन से बैक लॉन तक की। जी हाँ, यहाँ पे अपना बैक यार्ड आता है जो कि काफी स्पेशियस है। अगेन तो गाइस अगर हम बात करें, जैसे अभी हम बैकयार्ड के पीछे देख सकते हैं बैक लेन में भी बिल्कुल विलाज ही हैं जो कि ओमैक्स ने ही बनाए हैं, और दोनों के अंदर आप डिस्टेंस देख सकते हैं बैक टू बैक काफी अच्छा डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, क्योंकि बैक साइड में हमने भी स्पेस छोड़ी है, उन्होंने भी स्पेस छोड़ी है, तो काफी अच्छा एक स्पेस निकल के आ जाता है। कॉर्नर विला है तो एक तो ये साइड स्पेस अपने को मिल जाती है, ठीक है, अपनी काफ़ी अच्छी साइड स्पेस निकल जाती है, प्लस यहाँ पे विंडो के प्रोविजंस आ जाते हैं कॉर्नर विला की वजह से, तो लाइट और वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं रहती इस लोकेशन के अंदर। तो आइए चलते हैं अभी हम मेन एंट्रेंस की तरफ। तो गाइस जैसे अभी हमने पार्किंग और लॉन एरियाज देखे, तो सबसे पहले जैसे हम मेन गेट की तरफ आते हैं काफ़ी अच्छा डिजाइनर गेट अपने को मिल जाता है, प्लस यहाँ पे इस विला के अंदर जितनी भी मार्बल यूज़ हो रही है सारी इटालियन मार्बल का यूज़ किया गया है। तो गाइस यहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस आती है। तो गाइस जैसे ही हमने विला के अंदर मेन एंट्री की, सबसे पहले एंट्री फॉयर एरिया आ गया। आप देख सकते हैं एंट्री वॉल को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है, जैसे बिल्कुल फ्रंट पे हमने आपको बुद्धा जी दिखाए थे, सेम यहाँ पे भी वॉटरफॉल के साथ आपको बुद्धा इंस्टॉल करके दिए जा रहे हैं। प्लस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इफेक्ट है इस एंट्रेंस वॉल का। देन इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है हमारा ड्राइंग एरिया, और आप देखेंगे पूरे विला के अंदर आपको कंप्लीट फॉल सीलिंग मिलने वाली है। जी हाँ, हर एक पार्ट के अंदर अलग तरीके की डेकोरेटिव फॉल सीलिंग आपको मिलने वाली है। तो गाइस जैसे हम अपने ड्राइंग के अंदर एंटर करेंगे, उससे पहले आप देख सकते काफ़ी अच्छा एक ग्लास डोर अपने को मिल जाता है, टफन ग्लास के साथ इसको डिजाइन किया गया है। तो गाइस जैसे हम इस विला के अंदर एंटर हुए, आप देख सकते हैं एक 12 सीट सोफा सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा विद सेंटर टेबल। फॉल सीलिंग की अगर बात करूँ तो अल्टीमेट लुक के साथ यहाँ पे फॉल सीलिंग तैयार की गई है, चाहे वो शैंडलियर हो चाहे फैंस हो, इसकी खूब भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जैसे गाइस मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर का होने की वजह से अपने को साइड में भी विंडोज़ की ऑप्शन मिल जाती है, तो यहाँ से लाइटिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है, लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती डे टाइम के अंदर अपने को। देन उसके बाद बात करें, आप देख सकते हैं वॉलपेपर काफ़ी अच्छा डिजाइनर यूज़ किया गया है इस वॉल के ऊपर। और साथ ही साथ बात करें, जैसे मैंने बताया था पूरे विला के अंदर इटालियन मार्बल आपको मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा इटालियन मार्बल कंपनी ने यूज़ किया है।
और गाइस जैसे मैंने बताया, ये जो विला है आपको फुली फर्निश्ड मिलने वाला है। जी हाँ, आपको फुली फर्निश्ड ये विला आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं LED पैनल काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी वुड का इस्तेमाल किया गया है। फुली कंप्लीट एयर कंडीशनिंग के साथ रहेगा, हर एक वॉल को अच्छे से डेकोरेट किया गया है। तो गाइस अगर इसकी अप्रोक्सीमेट डायमेंशन की बात की जाए, अप्रोक्सीमेट 16x14 के करीब इसकी डायमेंशन रहने वाली है। और जैसे मैंने आपको बताया, टफन ग्लास का एज अ गेट इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छी लुक देता है यहाँ पे। और साथ में साथ जैसे एंट्री की, वहाँ से भी आप एंटर हो सकते हो। अदरवाइज एक सेकेंड गेट है जो फैमिली के लिए एंट्रेंस दिया गया है, आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। तो आइए हम इसी तरफ से चलते हैं जहाँ से एंटर किया था। तो गाइस अभी हमने देखा हमारा ड्राइंग एरिया, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, फैमिली सिटिंग एरिया। जी हाँ, काफ़ी स्पेशियस फैमिली सिटिंग एरिया यहाँ पे आता है। और जैसे फैमिली सिटिंग एरिया हो गया प्लस ड्राइंग एरिया हो गया, उसके लिए हमें जो पाउडर रूम की रिक्वायरमेंट रहती है वो इस लोकेशन पे दिया गया है। काफ़ी अच्छा साइज है इस पाउडर रूम का, जिसमें सभी ब्रांड फिटिंग्स के साथ सैनिटरी फिटिंग्स का यूज़ किया गया है। लाइट वेंटिलेशन का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है। आपको काफ़ी स्पेशियस ये कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। ये जो वॉशरूम है हमारा, हमारे फर्स्ट बेडरूम के साथ भी अटैच रहने वाला है। तो गाइस जैसे अभी हमने कॉमन वॉशरूम देखा, इसके साथ में हमारा फर्स्ट बेडरूम अटैच रहने वाला है, जो कि आज हम आपको शो नहीं कर सकते क्योंकि पेरेंट्स ओल्ड हैं, ठीक है, वो रेस्ट कर रहे हैं। तो इसके अगर साइज़ की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 13x15 फीट के करीब का ये बेडरूम रहने वाला है, अप्रोक्सीमेट आइडिया है। देन उसके साथ में ये कॉमन प्लस अटैच वॉशरूम यूज़ में आता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी हम फैमिली लॉन्ज एरिया के अंदर है, इसके साथ में नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। जी हाँ, 8-सीटर डाइनिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स ऊपर आप देख सकते हैं शैंडलियर काफ़ी अच्छा यूज़ में लेके आए हैं, जो कि एक अल्टीमेट लुक देता है हमारे इस डाइनिंग एरिया को। और साथ ही साथ अलग डेकोरेशन के पार्ट के अंदर ये साइड वॉल आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सीनरी यहाँ पे यूज़ की है। लाइटिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छा है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं जो फॉल सीलिंग के साथ यूज़ किया गया है। और इस डाइनिंग के साथ में अपने को मिलता है ये क्रोकरी सेट, जो कि काफ़ी अच्छी क्रोकरी प्लानिंग के लिए किया गया है। कंप्लीट फुली एयर कंडीशनर ये रहने वाला है पूरा विला, आप देख सकते हैं। जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको साइड वे से आपको बैकयार्ड दिखाया था, उसकी अटैचमेंट डायरेक्टली यहाँ से आ जाती है। आप देख सकते हैं बैकयार्ड यहाँ जहाँ पे UPVC सेक्शन डोर का इस्तेमाल किया गया है। तो लाइट और वेंटिलेशन की बिल्कुल भी कमी नहीं आने वाली इस विला के अंदर, इस तरीके से इसको प्लान किया गया। तो आइए गाइस आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा इस घर का किचन। तो गाइस आगे जैसे हमने बताया हमारा नेक्स्ट पार्ट किचन आता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे काफ़ी बिग साइज का आ जाता है। उसके साथ में नेक्स्ट पार्ट फुली मॉडुलर किचन आपको मिलने वाली है। सारे कैबिनेट्स ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए हैं विद चिमनी एंड होब, आपको यहाँ पे कंप्लीट किचन मिल जाता है। डबल सिंक के साथ ये किचन प्लान किया गया है, जहाँ पे लाइट और वेंटिलेशन की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैकयार्ड जो हमने देखा था उसके साथ में आपको विंडो दी गई है, जिसके अंदर अगर हम बात करें फुली मॉडुलर किचन की, चिमनी हो, माइक्रोवेव, ठीक है, आपको साथ में मिल जाते हैं, प्लस RO सिस्टम मिल जाता है। तो गाइस काफ़ी अच्छी स्पेशियस किचन है ये। तो आइए अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा बार एरिया। जी हाँ, काफ़ी अच्छा बार एरिया यहाँ पे प्लान किया गया है, आप देख सकते हैं डेकोरेटिव काफ़ी अच्छा माइंड यूज़ किया गया है इस बार एरिया को प्लान करने के लिए। तो गाइस अभी हमने देखा यहाँ का ग्राउंड फ्लोर, जिसमें ये बार एरिया, ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन, फैमिली लॉन्ज एरिया, ठीक है, एक बेडरूम जैसे बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाला है। तो अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की ओर। तो अगर आप सीढ़ियों के ऊपर भी ध्यान देंगे तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी ब्यूटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, चाहे ये साइड वॉल का वॉलपेपर है, ये वुडवर्क ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ किया गया है। साथ के साथ रेलिंग के साथ यहाँ पे टफन ग्लास आपको मिल जाता है। और जैसे ही हम सेंटर में पहुँचते हैं तो एक काफ़ी अच्छी मिरर यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं इसकी ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाने के लिए। और जैसे कॉर्नर का विला है, तो स्टार्टिंग से एडवांटेज बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पे
विंडो मिल जाती है अपने को साइड में, जहाँ से लाइटिंग हमेशा आती रहती है घर के अंदर। जैसे ही हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं, यहाँ पे अच्छा एक सिटिंग एरिया प्लान किया गया है। अगर बात करें यहाँ पे इटालियन मार्बल का यूज़ हुआ है। फोर सीलिंग की बात करें, यहाँ पे फोर सीलिंग आपको मिल जाती है, एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल करके दी जा रही है, प्लस साइड वॉल को देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ अगर फर्स्ट फ्लोर के कंसेप्ट की बात की जाए, तो इस सिटिंग एरिया के साथ साथ अपने को यहाँ पे मिल जाता है एक मास्टर बेडरूम, देन दो अनदर बेडरूम्स, उसके साथ में पेंट्री एरिया प्लस पूजा एरिया। जी हाँ, तो आइए अभी चलते हैं हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। तो गाइस, ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो जैसे अपने मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहली अगर बात करूँ मैं, अपने को मिलती है वुडन फ्लोरिंग। जी हाँ, प्रीमियम वुडन फ्लोरिंग के साथ यहाँ डिज़ाइन किया गया है। देन अगर नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ की फॉल सीलिंग की, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेकोरेटिव फॉल सीलिंग का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि इस रूम को वाकई में मास्टर बेडरूम बनाती है। और साथ ही साथ अगर बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश बेड का यूज़ किया गया है। इसके अलावा बेड लगाने के बाद दोनों साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेकोरेशन यूज़ की गई है इस ड्रेसिंग टेबल के साथ, और हर एक चीज़ को अल्टीमेट डिजाइनिंग के साथ यूज़ किया गया है। उसके साथ में ही स्मॉल सिटिंग सोफ़ा सेट यहाँ पे यूज़ किया गया है। जैसे विंडो की स्टार्टिंग से बात हो रही है, साइड विंडो मिल जाती है अपने को, फ्रंट साइड विंडो मिल जाती है ईस्ट फेसिंग की तरफ। देन साथ में ही यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पेस होने की वजह से यहाँ पे डबल चेयर प्लस सेंटर टेबल का यूज़ किया गया है। वॉल्स को काफ़ी अच्छे से डेकोरेटिव बनाया गया है। और साथ ही साथ बात करें, एक अल्टीमेट LED पैनल का यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ में ही साइड कॉर्नर काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। तो गाइस, ये विला एक अल्टीमेट विला मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। साथ के साथ ये कॉर्नर विला है, ईस्ट फेसिंग विला है, ठीक है। और ओमैक्स फेस वन की प्राइम लोकेशन में है, नियर टू क्लब है, नियर टू मार्केट है, नियर टू पार्क्स हैं। जी हाँ, तो हर एक खूबी इस विला के अंदर आपको मिलने वाली है। तो अभी देख लेते हैं इसके साथ यहाँ का अटैच वॉशरूम। जी हाँ, सबसे पहले जैसे ही हम एंटर करते हैं, ड्रेसर एरिया आ जाता है, दोनों साइड कवर्स मिल जाते हैं अपने को। उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको यहाँ पे वॉशरूम मिलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाथटब का भी इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छा एक वॉशरूम साइज आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइस, इसके साथ में फ्रंट बालकनी अपने को मिल जाती है, जहाँ पे ये UPVC सेक्शन डोर का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छे कर्टन्स यूज़ किए गए हैं। तो गाइस, अगर फ्रंट बालकनी की बात करें, काफ़ी अच्छी L शेप के अंदर अपने को वाइड बालकनी मिल जाती है, काफ़ी स्पेशियस बालकनी आ जाती है। आप अच्छा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा वाइड बालकनी अपने को मिल जाती है। गाइस, ईस्ट फेसिंग की वजह से यहाँ का जो सामने का व्यू है पूरा हिली व्यू है, बिकॉज शिवालिक हिल्स यहाँ से काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। आज थोड़ा फोगी होने की वजह से वो उस तरीके का व्यू नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम आपको शॉर्ट्स के अंदर शो करेंगे, अगर हमारे पास अवेलेबल हो पाएंगे, कि कितना अच्छा व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अभी हमने देखा यहाँ का मास्टर बेडरूम, तो उसके साथ में अगर बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, ये आता है हमारा पेंट्री एरिया। जी हाँ, काफ़ी अच्छी एक पेंट्री स्पेस यहाँ पे अपने को मिल जाती है, क्योंकि अगर कोई फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, चाय कॉफ़ी के लिए उनको प्रॉपर यहाँ पे प्रोविज़न हो जाएगा। देन नेक्स्ट बात करें, हमारे बिल्कुल सामने आ जाता है हमारा सबसे मेन पार्ट किसी भी घर का, पूजा रूम। जी हाँ, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस पूजा रूम का अपने को यहाँ मिल जाता है। देन साथ ही साथ हमारा आता है थर्ड बेडरूम। जी हाँ, जैसे ही हम थर्ड बेडरूम में एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डेकोरेटिव एक बेड अपने को मिल जाता है। वॉल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वॉल पेपर यहाँ पे यूज़ में लेके आए हैं। साथ ही साथ बिल्कुल ओपोजिट आ जाता है काफ़ी अच्छा एक TV पैनल, LED पैनल काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल किया गया है लाइटिंग इफेक्ट के साथ। देन साथ में मिरर का काफ़ी अच्छा किया गया है, और फुली एयर कंडीशनिंग घर रहने वाला है। जैसे पहले था आपको अल्मीरा अपने को मिल जाती है प्री इंस्टॉल,
और साथ में रहता है अटैच यहाँ का अटैच वॉशरूम। जी हाँ, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है जिसमें वॉल टू वॉल टाइल्स का यूज़ किया गया है। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम मिल जाता है। प्रीमियम सैनिटरी फिटिंग्स का यूज़ किया गया है। लाइट वेंटिलेशन का प्रॉपर प्रोविजन दिया गया है अपने को। तो गाइस, जैसे फ्रंट बालकनी की हमने बात की थी मास्टर बेडरूम के साथ, अपने को यहाँ पे बैक बालकनी मिल जाती है। यूपीवीसी सेक्शन डोर का इस्तेमाल किया गया है। गाइस, काफ़ी लेंथी ही अपने को बालकनी मिल जाती है यहाँ पे। तो फ्रंट बालकनी भी है, बैक बालकनी भी है, ठीक है। लाइट वेंटिलेशन का प्रॉपर प्रोविज़न है पूरे विला के अंदर। वॉल टू वॉल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है विलास के अंदर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अभी आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा आज का लास्ट बेडरूम। जी हाँ, ये है हमारा फोर्थ बेडरूम इस लग्जरियस विला का। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। LED पैनल काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल किया गया है। बेड लगाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ जाती है इस बेडरूम के अंदर। और वॉलपेपर काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है इस वॉल के ऊपर भी। और ये सेम UPVC सेक्शन डोर आ जाता है जो बैक बालकनी के साथ आपको शो किया था। तो फुली एयर कंडीशन बेडरूम रहेगा ये भी। देन साथ में आपको आता है ये ड्रेसर एरिया। जी हाँ, यहाँ कंप्लीट अलमीरा आपको मिल जाती है। उस साथ में स्पेशियस अटैच वॉशरूम आ जाता है। तो गाइस, ये था आज का फोर बेडरूम कंसेप्ट विद सबरूम विद पूजा रूम विद पेंट्री। देन इसके बाद ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर हमने देखा। देन आ जाता है हमारा टेरेस। जी हाँ, ओपन टेरेस अपने को मिलने वाला है। तो गाइस, ये है हमारा ओपन टेरेस जिसको आप काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। फैब्रिकेटेड कुछ भी आप कर सकते हैं, ग्लास हाउस बना सकते हैं, फैमिली के साथ अच्छे मूड यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस एरिया आ जाता है इस टेरेस का। तो गाइस, ये जो प्रॉपर्टी है वो मैक्स फेस वन के अंदर है। जैसे पहले भी आपको बताया, एक लग्जरियस विला है, अप्रोक्सीमेट 365 स्क्वायर यार्ड का कॉर्नर का विला है। अगर आप इसको अपना बनाना चाहते हैं तो अभी विजिट प्लान करें। हमारी टीम हमेशा बेस्ट डील के लिए आपके साथ रहती है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही लग्जरियस विलास या कंसेप्ट और भी जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।